हेलो हाय दोस्तों, मैं हूँ साजिदा। तो फ्रेंड्स, सर्दियाँ आ गई हैं, फटे होंठ, फटे एड़िया, रूखी सूखी स्किन, ये सारी प्रॉब्लम कॉमन है। तो दोस्तों, आज एक मैं आपके साथ DIY शेयर करूँगी जो कि आपको पूरी सर्दी हेल्प करेगी आपकी स्किन को रिपेयर करने के लिए, फटे होंठ और फटे एड़िया के लिए। तो ये कमाल की चीज़ है दोस्तों। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं, देरी किस बात की। और हाँ, मेक श्योर इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल है और एक कैंडल है और विटामिन ई का कैप्सूल है। बस हमें इन तीनों की ही ज़रूरत है। और मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, हमें किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। तो कैंडल को हमने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सी कट कर लेना है, ये देखिए कुछ इस तरह से। और इसके अंदर जो धागा होता है दोस्तों, ये निकल जाता है, इसकी में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हो कितनी आसानी से ये निकल जा रहा है। तो इसी तरह से आपको भी निकाल लेना है। तो ये देखिए इस तरह से निकल जाता है, कितना आसान तरीका है। तो मैं बस इसको कट कर ले रही हूँ। और साथ ही मुझे एक और इंग्रेडिएंट्स लेना है, जो कि आप सबको पता है, मैंने अभी आपको बताया है कि कोकोनट ऑयल लेना है। तो इसको साइड में रखते हैं। और कोई भी इस तरह का बर्तन ले लीजिए जो आप इस्तेमाल नहीं करते हो, उसमें हमें कोकोनट ऑयल डालना है दोस्तों। ये देखिए 1 चम्मच लिया है मैंने कोकोनट ऑयल, जो क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हो या फिर आप वो हिसाब से भी ले सकते हो। और जो हमारे पास विटामिन ई का कैप्सूल था दोस्तों, आप चाहो तो इस स्टेज पे भी डाल सकते हो, वरना आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मैं अभी डाल रही हूँ क्योंकि मैं इस तरह से बनाती हूँ और मुझे इससे रिजल्ट देखने को अच्छा मिलता है। तो इसको अब हमें गर्म करना है दोस्तों। तो चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कोकोनट ऑयल को गरम होने रख दिया है। आप देख सकते हो ये इतना गरम हो गया है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, गैस को ऑफ करना है। फ्रेंड्स ये देखिए, गैस को ऑलरेडी मैंने स्लो पे ही रखा हुआ था, तो आप देख सकते हो ये गरम हो गया है। अब इसमें हमने कैंडल्स को जो कट करके रखे थे वो ऐड करना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि हमने जो कैंडल इस्तेमाल किए हैं वो प्लेन है, उसमें कोई भी केमिकल वाला कलर नहीं है। और वही आपको भी इस्तेमाल करना है, वरना केमिकल वाले कलर कैंडल से स्किन को हार्मफुल हो सकता है। तो इसी तरह से आप इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने इस कटोरी को हटा दिया है चूल्हे पे से और ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है। अब आपको क्या करना है, ये पूरी तरह से रेडी हो गया है दोस्तों। अब इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इस तरह से आपके पास डब्बी होगी वैसलिन की पहले वाली, तो आप जो है इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसमें ऐड कर लेना है। ये देखिए 10 से 15 मिनट में ये सेट हो जाएगा दोस्तों, और इसका रिज़ल्ट आप खुद ही देख पाओगे जब आप इस्तेमाल करोगे। फटे एड़ियों पे, फटे हुए होठों पे, रूखे सूखे स्किन पे, आप रात में इसे लगा कर सो जाइए दोस्तों। रात में आपको खुद ही, आप सुबह उठ के देखेंगे, आपको रिज़ल्ट जो देखने को मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे देखिए ये जमना स्टार्ट हो गया है। अब मैं आपको ये थोड़ा सी अप्लाई करके दिखाती हूँ अपने हाथ पे, इसका जो लाइफ रिजल्ट भी आप देख सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देख सकते हो आप, इससे क्या हो रहा है, मुझे बहुत ही सिल्की फील हो रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए। तो इस तरह से आपको रात को लगाकर सो जाना है दोस्तों। आपके पैरों में जो भी दर्द होता है क्रैक की वजह से, वो नहीं होंगे, सारी दरारें भर जाएंगी। और हाथों पे भी लगा सकते हो, लिप्स पे भी लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। 10 से 15 मिनट में ये सेट हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है
तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर येस तो मेक श्योर इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन